हे वेलकम बैक, आई एम एस पी गुप्ता फ्रॉम स्टार इंस्टीट्यूट डाल्टा एंड पलामू। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग का डिमांड था, ठीक है, कि सर कुछ स्पोकन का रूल सिखाइए, नियम सिखाइए। हाँ, बात सही है। देखो बाबू, तुम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। क्या कि आप देख रहे हैं ना बाबू लोग, कि बहुत लोग क्या कर रहा है ना, इंग्लिश को क्या मर रहा है, रटा मार रहा है, रटा मार के याद कर रहा है, आज याद कर रहा है कल भूल जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। देखिए क्या करना है, इसे सबसे पहले आप जो चीज़ लिखने वाले हैं, ठीक है, उसका आपको ध्यान देंगे क्या बाबू, वर्ड्स और रूल होना चाहिए, है ना, स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वही खाली आप लोग एक पेज याद करवाते हैं आप लोग को, आर्टिकल ये हो या लेटर हो या आर्टिकल क्या नोटिस हो, रट लेते हो फिर कल भूल जाते हो। नहीं, जब तक आप उस मतलब राइटिंग को अपना नहीं बनाओगे, अपना बनाने मतलब क्या हुआ, अपना बनाओ यानी कि उसको समझो, है ना। कोई सेंटेंस पढ़ लिया और उसको हिंदी में समझ में आ रहा है तो याद बाबू कैसे करोगे, रट के याद करोगे ना। इस सिद्धांत ना यहाँ पे, तो मैंने क्या सोचा कि आप लोग के लिए अब क्या एक स्पोकन का सीडी चला दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, वर्ड्स मिलेंगे आपको, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, आप अपना ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, इससे क्या होगा, आपको स्पीकिंग में राइटिंग में हर एक चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी इस रूल नियम से, ठीक है बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। तो बाबू बिना देर किए हुए याद रखना। तो बाबू लोग, आप लोग कॉपी और पेन पकड़ लो कस कर, क्योंकि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ टॉप 10 स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग बाबू यहाँ पे 10 गो यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, अब इससे ध्यान देंगे आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा, है ना, राइटिंग लिखने में, इंग्लिश बोलने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह से पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे रूल से, एक पढ़ाएंगे ट्रिक से, है ना। अब आपको जो अच्छा लगे याद कर लेना, रूल से तो रूल, ट्रिक तो ट्रिक, है ना। देखो यहाँ पे और एक बताओ, यहाँ पे बाबू दो पढ़ाएंगे, एक प्रेजेंट से एक पास्ट से, है ना। जैसे वाला है प्रेजेंट में, वाला था पास्ट में, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोग इसका समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे, इससे यहाँ देखो लिखा हुआ है, वाला ही है, वाला था, वाला ही था, ना है, ना पढ़ता है, ना था, ना पढ़ता था, ना होगा, ना पढ़ेगा, लगता है या लगता था, लगा, भर प्लस कर वाला पढ़ेंगे की आदत है। ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से ही पढ़ेंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक देखेंगे, उस 11 स्ट्रक्चर को अपने अपना बना लेंगे ना, माइंड में आप लोग डाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें से फर्स्ट क्या है, वाला है, क्या चीज़ है, वाला है, ध्यान देना यहाँ पे। देखो जी, तो देखो सबसे पहले सीखना है आईडी और रूल। आईडी मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान सीखेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी सेंटेंस को पहले पहचानेंगे, सेंटेंस को जब पहचान लोगे तब लोग फिर रूल लगा के फॉलो करके उसको इंग्लिश में बना लेंगे, नहीं अगर बनाने आएगा फिर ट्रिक वही लास्ट में बाबू, ठीक है। ट्रिक तो हम लोग का जिंदाबाद है ना। अब याद हो जी, बोलता है आईडी फर्स्ट, देखो क्या बोल रहा है कि यदि भर्ब के साथ मिलेगा, वाला है, वाली है, वाले हैं, ठीक है। मतलब कि दुनिया के कोई भी सेंटेंस, देखो बाबू मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, मैं केवल यहाँ पे झारखंड गढ़वा पलामू अब इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि दुनिया के कोई भी सेंटेंस मिलेंगे और उसके लास्ट में मिलेगा वाला है, वाली है, वाले हैं, ठीक है, तो उसका एक ही रूल है, क्या ध्यान देना पे, कि पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे बाबू, सब्जेक्ट EGMR लगा लेना, ठीक है, फिर क्या टू लगाना है, फिर VN प्लस ऑब्जेक्ट करना है बाबू, याद रखना इसको एकदम। देखो और आसान तरीके, देखो यहाँ पे समझना ना, देखो जी यहाँ पे जो वाला है, यहाँ पे जो है ना हिंदी वाला, वाला तो वाला का होता है इंग्लिश में टू, क्या होता है बाबू, टू होता है, ठीक है, टू हो गया वाला के लिए। वो आपको मालूम होगा कि है का इंग्लिश क्या होता है, इज, क्या होता है, इज, और हूँ का इंग्लिश क्या होता है, एम, क्या होता है, एम, और हैं और हो, देखो यहाँ पिछड़ा होगा इंग्लिश आर, ARER, ठीक है बाबू रे, ध्यान देना यहाँ पे। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक रहेगा है, क्या रहेगा है, एक है, देखो ध्यान देना यहाँ पे है, ठीक है, है मतलब क्या चीज हुआ, सिंगुलर एक के लिए, और है मतलब क्या हुआ, प्लुरल अधिक के लिए, अनेक के लिए, ठीक है। यहाँ देखो बिंदु लगा हुआ है, देखो यहाँ पिछड़ा मतलब क्या हुआ, है, क्या पढ़ेंगे इसको, है मतलब अनेक के लिए, और है तो एक के लिए, ठीक है बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। तभी आप लोगों ने क्या देखा कि दुनिया के कोई भी सेंटेंस मिलेगा अगर उसके लास्ट में मिलेगा वाला है, वाली है, वाले हैं, ठीक है, तो याद रखना रूल, देखो क्या चीज है, पहले लगाना सब्जेक्ट, रूल से ना सब्जेक्ट, फिर ईच एम आर में से कोई एक लगाना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें से लगाना है एक, फिर क्या बाबू, टू लगाना है, फिर V1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लगाना है बाबू, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, तो रूल से बनाओ तो कैसे बनेगा, हिंदी देखो बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रिया कॉलेज जाने वाली है, प्रिया कहाँ जा रही है, कॉलेज ना, ठीक है, हाँ लड़की पढ़ने वाली है, ठीक है, तो प्रिया कॉलेज जाने वाली है। अब बताओ भैया कहाँ मिला लास्ट में, वाली है, यानी कि जो मिला कि नहीं मिला, देखो तो वाला है, वाली ही मिल गया, तो वाला है, यह मिला, वाली है, यह मिला, वाला हूँ, यहाँ मिला, वाले हैं,
सब में वाला वाली। बाबू फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का हर एक सेंटेंस जो वाला वाली से एंड करेंगे, ठीक है, तो रूल ध्यान देना पे, वाला के लिए टू लगा लेना और ई जे मार कहाँ लगा लेना, है हूँ है के लिए, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे पहले रूल सीख लो ना। तो क्या बोल रहा है पहले बाबू कि वाला वाली के सेंटेंस रूल क्या बोल रहा है कि पहले लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या चीज है, प्रिया, यहाँ लिख लो ना प्रिया, लिख लिए प्रिया, आगे बढ़ो। इज एम आर में से क्या लगाएंगे बाबू, बताओ बताओ क्या लगाएंगे, यहाँ पे सीख लो, देखो सीख लो बाबू रे, ही सी इट, और सिंगल नहीं मिलेगा ना, इसमें लगाना इज, क्या लगाएंगे बाबू, इज, ठीक है। और यहाँ देख लो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको सीख गया, ठीक है। यहाँ देखो जी, यू वी दे और पीएन, मतलब प्लूरल नंबर एक से अधिक नाम मिलेगा, क्या लगाना, आर, ठीक है। और तुम लोग बाबू देखो जान ही रहे हो आई में लगता है क्या, एम, ठीक है, सीख गया इतना बाबू। अगर सब्जेक्ट मिलेगा ही से इट तो लगा देना इज, ठीक है, आई में एम लगने करता है जानते बाबू, यू वी ई दे में लगा देना आर लगा देना, ये सारी बातों को बाबू आपको समझना होगा, ठीक है, रूल्स बनाओगे तो। ट्रिक के लिए यहाँ पे नहीं कहेंगे किसी याद करना है, रूल के लिए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, प्रिया, तो प्रिया सिंगुलर नाम, देखो सिंगुलर नाम में क्या लगता है, इज, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इज, क्या लगाएंगे बाबू, इज। अब क्या लगाएंगे, एम ओ आर लगाएंगे ना, लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे, क्यों, ध्यान देना बाबू, क्योंकि तो हैपन दिया, मतलब क्या कि तीनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है, तो ये लगा लेंगे इज, क्योंकि प्रिया सिंगुलर है ना, प्रिया भी सिंगुलर है, पता नहीं डबल कब होगी, देखो बाबू तो क्या है, प्रिया इज क्या हो गया। अब देखो आगे मिलो क्या मिला, टू, क्या मिला, टू, भर कहाँ, भर जाना, कहाँ हो गया, गो। अब कुछ बाबू, हाँ ऑब्जेक्ट है, हरे हरे क्या है, कॉलेज, टू कॉलेज लिख दी, ठीक है। अब ये देखो मैंने बनाया प्रिया इज टू गो टू कॉलेज, ठीक है, प्रिया कॉलेज जाने वाली है। अब तुम लोग पूछेगा कि यार सर यहाँ पे भी टू आ गया, यहाँ भी टू आ गया, कैसे आ गया, बाबू ध्यान देना, ठीक है, कि डेस्टिनेशन के पहले टू लगता है, क्या लगता है बाबू, टू लगता है। देखो कॉलेज क्या है मेरा, डेस्टिनेशन है, मंजिल है, तब टू लग गया है, ये टू किसके लिए लगा है, वाला वाले के लिए लगा है, ठीक है ना। आप आगे देखो यहाँ पे, पूजा मंदिर में पूजा करने वाली है, मंदिर में पूजा होता है ना, पता है ना आप लोग को, यहाँ देखो यहाँ पे पूजा मंदिर में पूजा करने वाली है। अब चलो बाबू ध्यान देना यहाँ पे, अभी हम लोग रूल से तो बना लिए है ना, अब ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, ट्रिक की देखो बात कैसे ध्यान करेंगे यहाँ पे, पहले रूल्स बनाने, देखो रूल से तो बताओ बताओ क्या है बाबू, सब्जेक्ट क्या है, पूजा, तो क्या हो गया बाबू यहाँ पे, पूजा लिख लिए है ना, पूजा लिख लिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ो, इज बार क्या लगाएंगे, इज लगा लेंगे, तो पूजा इज, फिर क्या है, टू, वर्ब क्या चीज है बाबू, ठीक है, पूजा करना, तो क्या हो जाएगा, वर्शिप, क्या हो जाएगा, वर्शिप, ठीक है, पूजा करने वाले हो गया, मेक के लिए क्या हो गया, इन, अब मंदिर हो गया टेम्पल, इन टेम्पल करो या इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, ठीक है। देखो यहाँ पे पूजा इज टू वर्शिप इन द टेम्पल, क्या से बनाया, रूल से बनाया। अब देखो बाबू यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कन्फ्यूजन, देखो बाबू यहाँ पे क्या होगा कन्फ्यूजन कि सर कैसे कैसे आप लगा दिए पता नहीं चला, तो ठीक है मैं तो बताया ना हूँ कि रूल से अगर दिक्कत हो रहा है ना तो ट्रिक लगाओ ना बाबू, ट्रिक लगाओ, ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ट्रिक कैसे बनता, ध्यान देना यहाँ पे, रूल सीखो चाहे ट्रिक सीखो, अगर ट्रिक सीख लिया ना तो कभी नहीं टेंशन होगा। देखो यहाँ पे बाबू ट्रिक कहता है कि सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, क्या लिखना है, सब्जेक्ट को, चलो लिखते हैं सब्जेक्ट को, क्या चाहिए, पूजा, क्या जी, पूजा, यहाँ लिख दिया मैंने पूजा, पूजा कर दिया ना, ध्यान देना यहाँ पे पूजा लिख लिया। किसी भी सेंटेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो याद रखना सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद इधर छूछा मत करना, कहाँ जाना, लास्ट में, दौड़ के आना है लास्ट में, ठीक है, आगे लास्ट में। अब देखो यहाँ पे लास्ट में आकर के और एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड को हम लोग जब इंग्लिश करेंगे ना, देखो जी पूजा करना की में है ना, इंग्लिश करेंगे, ठीक है, तो अपने आप ट्रांसलेशन बन जाएगा, ठीक है। पूजा मंदिर में पूजा करने वाली है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट को, हाँ जी लिख दिया सब्जेक्ट को यहाँ पे। अब क्या मैंने बोला, अब छोड़ दो, अब कहाँ जाना है, लास्ट में, लास्ट में क्या मिला, है कि किसका होता है, इज, लिख लिया। फिर क्या मिला, वाली, मैंने क्या बोला कि वाला वाली वाले के लिए इसका होता है टू, का होता है टू, तो वाले के लिए इसका हो गया टू लगा लो। अब देखो पूजा करना, पूजा करने के लिए इसका होता है वर्शिप, कहाँ बाबू होगा, वर्शिप, वर्शिप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या मिला, मैं के लिए इसका होता है इन, ठीक है, मंदिर के लिए इसका होता है टेम्पल, क्या होता है बाबू, टेम्पल।
अब देखो जी यहाँ पर अगर निश्चित है तो यहाँ पर द लगा दो, द लगा दो, कहाँ हो गया पूजा इज टू वर्शिप इन द टेम्पल, पूजा मंदिर में पूजा करने वाली है। अब वो दिक्कत यदि होगा तो ध्यान देना मुझे बताना कि हाँ सर इसको से और आसान बताइए, इसको से और बाबू बताएंगे आसान एकदम नीचे से, है ना, ऊपर तक चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो इसको और देखो बाबू यहाँ पे क्या है कि मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, बनाओ इसको कैसे बनाएंगे, बनाओ कैसे होगा, तो मैंने क्या बोला ट्रिक लगाओ, ट्रिक ट्रिक रूल को भूल जाओ, रूल को भुला जाओ इसको, ठीक है, अब क्या ट्रिक से बनाओ, सब ट्रिक से रूल बनेगा, क्या ध्यान है यहाँ पे, तो मैं क्लिस का हो गया आई हो गया, ठीक है। अब लास्ट में जाओ क्या मिला, हूँ हूँ क्लिस का होता है बाबू एम, आगे बोलो क्या मिला वाला क्लिस का होता है टू, आगे बोलो क्या मिला लिखना, लिखना क्लिस का होता है राइट, क्या होता है राइट, क्या लिखने वाला तो एक पत्र क्या हो गया अ लेटर, क्या हो गया बाबू अ लेटर, देख रहा है ना कैसे बन रहा है इंग्लिश, आई एम टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं, वे लोग कहाँ जाने वाले हैं बाबू, वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली जाओगे चाहे तुम आगरा चाहे पटना जाओगे, हम लोगों को तो इंग्लिश बनाना है, इंग्लिश से हम लोग बाबू बनेवे करेंगे, है कि नहीं बाबू। अब देखो यहाँ पे हम क्या बाबू कि वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं, बनाओ इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो वे लोग को पहले इंग्लिश लिखना है, क्या हो गया बाबू दे हो गया, लिख लो, फिर वही लास्ट में जाओ है मिला है, है कि इंग्लिश का होता है आर, क्या होता है आर, वाला कि इंग्लिश का होता है टू, जाना कि इंग्लिश का होता है गो, ठीक है, क्या हो गया गो, अगर क्या मिला दिल्ली, दिल्ली प्लेस है तो क्या लगेगा यहाँ पे टू, क्या हो गया यहाँ पे लगा लेंगे टू, फिर लग लिया यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, क्या दे आर टू गो टू दिल्ली, ठीक है बाबू। देखो ध्यान यहाँ पे इस प्रकार के जितने भी मिलेंगे सेंटेंस आप लोग ट्रिक से सीख लेंगे बनाने के लिए, ठीक है, अगर आपको रूल नहीं आएगा माइंड में तो ट्रिक तो आपको काफ़ी है ना, तो ध्यान देंगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग के बाबू समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग क्या करेंगे पहले आईडी लिखेंगे, रूल लिखेंगे, ठीक है, और दो चार आप लोग क्या करेंगे एग्जांपल लिखेंगे, अब इसको बोलना शुरू करेंगे, जैसे ध्यान यहाँ पे कैसे बोलेंगे याद रखना, मैं जाने वाला हूँ आई एम टू गो, तुम पढ़ने वाले हो यू आर टू रीड, है ना, तुम खेलने वाले हो यू आर टू प्ले, वह आने वाली है सी इज टू कम, वह जाने वाली है सी इज टू गो, ठीक है, मैं सोने वाला हूँ आई एम टू स्लीप, मतलब कहने का मीनिंग क्या था ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे समझाऊँ मैं यहाँ पे समझाऊँ एक बात, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ध्यान दें यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं और समझा रहा हूँ, ठीक है, देखो बात बाबू देखो क्या यहाँ पे है ना, ध्यान दें यहाँ पे मैंने क्या बोला, ध्यान दें यहाँ पे मैंने बोला कि सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखना है टू, फिर लिखना है यहाँ पे वी वन, फिर लिखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे केवल एक सेंटेंस याद रखना, उस पर हजारों नहीं लाखों सेंटेंस बोलोगे, अभी नहीं जिंदगी भर बोलोगे, ठीक है, आई एम टू गो टू स्कूल, ठीक है, चलो यहाँ पे यहाँ से यूँ हटा दो, अब क्या बच गया आई एम टू गो, अब देखो यार जी अब देखो यहाँ पे ट्रिक बना लो, मैं जाने वाला हूँ क्या हो गया बाबू मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ आई एम टू गो, अब देखो यहाँ पे मैं खाने वाला हूँ आई एम टू ईट, यानी क्या चेंज करना बाबू भर को चेंज करना, ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे अगर आपको अगर ध्यान देंगे इससे और आसानी में अगर फ्लुएंटली इंग्लिश को करना है, चलिए इसके लिए दिखाते हैं एक ट्रिक, क्या दिखाते बाबू एक ट्रिक देख लो, ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग जानते हैं एक ट्रिक सीखिए, ठीक है, कैसा फ्लुएंटली लाने का है ना, देखिए आप लोग अब हिंदी नहीं बोलना है खाली इंग्लिश बोलना है, कैसे बोलेंगे या देखिए ट्रिक क्या है ध्यान देंगे, देखिए अभी आप लोग क्या पढ़े कि पहले लिखिए सब्जेक्ट, अच्छा ये क्या देगा मीनिंग वाला है, क्या मीनिंग देगा वाला है ना, याद रखेंगे वाला वाले के लिए ट्रिक है, ठीक है, देखिए मतलब ध्यान देंगे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हाँ जी यहाँ पे लिख लिया सब्जेक्ट लिख लेना, अब इजे मार लिखना है तो इजे मार यहाँ लिखा हुआ है, टू है टू भी लिखा हुआ है, देखिए टू लिखा हुआ है, अब भी वन देखिए यह देखो सारा भी वन लिखा हुआ है, अब हम लोग एक ही काम करना है खाली इंग्लिश बोलना है, क्या करना है इंग्लिश बोलना है, बोलना भी है लिखना भी है और साइड से सीखना भी है, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि स्पीकिंग कैसे करें सर, देखिए यहाँ पे स्पीकिंग कैसे करेंगे, देखो जी सबसे पहले उठाओ एक सब्जेक्ट को, ऐसे मैंने उठाया आई, आई उठाओ, ठीक है, तो आई के में क्या लगता है एम लगता है, आई में एम लगता है ना, अच्छा ध्यान देंगे तो क्या हो गया आई एम, फिर यहाँ टू लगेगा टू लगा लो, चले जाओ यहाँ पे वर्ब के पास, चले गए वर्ब के पास ना, क्या हो गया आई एम टू गो हो गया ना। अब देखो जी यहाँ पे आई एम को शॉर्ट में आई एम पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे आई एम बोलेंगे, आई एम क्या बोलेंगे आई एम, ठीक है आई एम, क्या हो गया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आई एम क्या हो गया आई एम टू गो, क्या हो गया जी आई एम टू गो हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जितने वर्ब हैं सारे वर्ब के साथ करना है रिविजन, कैसे करेंगे जाना यहाँ पे आई एम टू गो आई एम टू कम आई एम टू ईट आई एम टू ड्रिंक आई एम टू स्लीप आई एम टू राइट आई एम टू वर्शिप आई एम टू स्पीक आई एम टू लव आई एम टू वीप,
ध्यान देंगे। अभी हिंदी मैंने बोला नहीं, क्या क्या बोला जी, इंग्लिश बोला, तो आप लोग वैसे कीजिए, ठीक है। ये देख बाबू, ये ध्यान यहाँ पे कि सेम आप क्या करेंगे, सेम ऐसे आप लोग स्टाइल से लिख करके अब आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। आई आई से बोल लिया, अब मान लो किसी को बोला कि नहीं ही से बोलिए, तो ही से कैसे ध्यान यहाँ पे, तो ही से लेकर के, ठीक है, अब प्रिया तक में क्या लगता है, इज लगता है, क्या बाबू, इज लगाओगे ना, इज लगाओगे, आई में एम लगाएगा, ठीक है, ही सीट में क्या लगाएगा, इज लगाओगे, ठीक है, और यू वी दे में क्या लगेगा, पी एन में आर लगेगा, ही लगेगा। अस्टाइल देखो बोला क्या से, आई से एम लगा सब पे बोल दो, ठीक है। अब ही सी इट सिंगल नेम में क्या, इज लगा करके सब पे बोल दो, जैसे ध्यान लगे ही से बोलना है, कैसे, तो हीज टू गो, हीज टू कम, हीज टू इट, सी टू ड्रिंक, बोल देगा ना। आगे देखो यहाँ पे, मान लो कोई बोलेगा जैसे प्रिया से बोलिए, चलो अब हम लोग लेते हैं प्रिया को लेते हैं ना, चलो लो तो प्रिया के लिया, प्रिया को लो, प्रिया के क्या बोल रहा है ध्यान पे, तो प्रिया से लगाओ तो क्या, प्रिया इज टू गो, चला गया ना। अब ध्यान देंगे, प्रिया इज टू गो, बाबू भर विवन है, अब सफर बोलना है, कैसे बोलेंगे, तो प्रिया इज टू गो, प्रिया इज टू कम, प्रिया इज टू ईट, प्रिया ड्रिंक, जितना बाबू यहाँ भर लिखा है ना सब पे बोलिए, ठीक है। एक अपने रूम में खड़ा हो लो कोना में, ठीक है, कॉर्नर पर खड़ा हो लो, एकदम रूल लाओ दिमाग में, ठीक है, अब बोलना शुरू करो। ऐसे आपको सुनने वाले लोग पागल कहेंगे कि अरे लाइक वह पगला गया है, नहीं ध्यान बाबू, पागल आदमी नहीं कुछ करता है, ठीक है, हाँ अपने लक्ष्य के लिए पागल बनो, जानते हो पागल मतलब क्या होता है, ध्यान देना, पागल देखो यहाँ पे है ना, और पागल, पागल मतलब क्या होता है, देखो पागल है, देखो यहाँ पे पागल लोग कैसे होते हैं, जानते हो, गतिशील होते हैं, क्या होते हैं, गतिशील, किसके लिए, लक्ष्य हो गया, लक्ष्य के लिए, ठीक है, यानी कि जो लक्ष्य के लिए गतिशील होते हैं ना बाबू, उसी को बोलते हैं पागल, ठीक है। तो जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, समझ गया ना, तो बोरा है, क्या है, बोरा है, कि पागल बनो अपने लक्ष्य के लिए, ठीक है। अब बाबू यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, तभी हम लोग ये समझे ना। अब मान लो कि अब कोई बोला कि नहीं, यू से बोलो, तो यू से क्या बोलेंगे, तो यू आर टू, चले जाओ भारत के पास, यू आर टू गो, यू आर टू कम, यू आर टू इट, अब जितना बोलना है ना बोलो, ठीक है, जितना बोलना है बोलो, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस पर बोल करके अपने फ्लुएंटली को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं अभी आपको नेक्स्ट रूल, देखो यहाँ पे बहुत सारा रूल देखो पड़ा हुआ है, अभी कोई रूल समझा रहे हैं, अब समझ गया होगा तो एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे बहुत ही फास्ट चलेंगे, आप लोग समझिएगा एकदम करेक्टली, ठीक है ना। अब बाबू देखो यहाँ पे क्या, सेकेंड, देखो आप ऐसा करते हैं ना, पहले वाला है फिर वाला था पढ़ाते, ठीक है, फिर वाला ही है फिर वाला ही था पढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब प्रेजेंट फिर पास्ट पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग क्या देखें, वाला है, अभी क्या देख रहे हैं, वाला था, अभी क्या देखें कि वाला के लिए होता है टू, और था के क्या होता है बाबू, वाज, ठीक है, और थे को होता है वर, यहाँ तो लिखा हुआ है कि था को होता है वाज और थे को होता है वर, इतना आप लोग याद करें। अब बात यहाँ पे क्या आ गया कि आई ही सी इट और सिंगुलर में क्या लगता है, वाज, ठीक है, वी यू दे इसमें पी एन में क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, इतना आप लोग बाबू माइंड में कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो बाबू, देखो तो यहाँ पे देखो तो छोटे देखो तेरे क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, अगर वाला था वाले थे मिलेगा तो क्या हो गया, सब्जेक्ट वहाँ पे वाला है था तो इजे मार था या पाँच बार हो गया, ठीक है, वाज या वर लगा लेना, फिर टू बी वन वेट कर लेना। जैसे देखो यहाँ पे वह क्रिकेट खेलने वाला था, तो बताओ सब्जेक्ट क्या चाहिए, वह के लिए हो गया ही हो गया ना। अब बताओ वाज की वर क्या लगाएगा, तो वाज लगता है बाबू ही में, तो वाज लगा लिए, टू लगा बाबू यहाँ पे क्या हो गया, टू हो गया। बी वन क्या चाहिए है, खेलना, तो यहाँ लगा दो प्ले, ठीक है, वेट क्या चाहिए है, क्रिकेट, तो लिख दो यहाँ पे क्रिकेट हो गया बाबू, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ही वाज टू प्ले क्रिकेट, मतलब ध्यान देना यहाँ पे अभी जो बनाया ना प्रेजेंट वाला उसी पर देखो यहाँ पे सेम का हो गया, पास्ट का हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ट्रिक की बात करो यहाँ पे, ट्रिक कैसे होगा ध्यान देना यहाँ पे, वह के लिए क्या हो गया ही, लास्ट में क्या मिला था के लिए क्या होता है छोटू, वाज, वाला के लिए क्या होता है रे टू, खेला के लिए क्या होता है प्ले, ठीक है, और इससे क्या हो गया क्रिकेट, ट्रिक लगाओ, ठीक है, सोल्यूशन पाओ। यहाँ देखो तो आप लोग दिल्ली जाने वाले थे, चलो बताओ तो बाबू कैसे बनेगा, पहले ट्रिक लगाओ, तो आप लोग के लिए क्या हो गया यू, ठीक है, लास्ट में क्या मिला थे के लिए क्या होता है वर, क्या होता है वर, ठीक है, वेयर नहीं पढ़ेंगे वर पढ़ेंगे, वाला के लिए वाले के क्या हो गया टू, जाना के क्या होता है गो, दिल्ली के क्या हो गया टू दिल्ली, टू दिल्ली बन गया। देखो यहाँ पे यू वर टू गो टू दिल्ली, आप लोग दिल्ली जाने वाले थे, ध्यान देना यहाँ पे। तभी जैसा आप लोग पिछले अब देखिए अभी बाबू रूल में कि ट्रिक कैसे सिखाए थे फ्लुएंटली लाने के लिए, आप देखो सेम बना लाओ उसे, ठीक है, कॉपी में लिख लाओ उसको, ठीक है, पहले क्या लिखे बाबू, पहले यहाँ लिख लेना क्या सब्जेक्ट लिख लेना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या एच बी वाज वर्ड लिख लेना, फिर टू लगा करके इधर भर्ब लिख लेना, और फिर उसी पिछले की तरह क्या करेंगे बोलना इंग्लिश प्रारंभ करना, ठीक है, ये समझ गया होगा ना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट देखते हैं रूल को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे रूल को आईडी को, ठीक है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, अब आप क्या करेंगे समझेंगे अच्छा से बाबू, कहीं दिक्कत होगा तो बोलना हमको, ठीक है ना, कमेंट करके, ऐसा नहीं, ठीक है, थोड़ा सुनाने वाला है,
लाइव में थोड़े बोल दे भाई, यहाँ पे मैं सुन लिया, ठीक है लाइव में, ठीक है लाइव में इसे पढ़ाऊंगा एक बार फिर से, तो देख लेना, ठीक है। यहाँ देखिए जी, अभी आप लोग देखिए वाला है ना, वाला है, वाला था सिंपल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कहीं वाला है में कहीं लग गया ही, यानी क्या हो गया, वाला ही है, वाली ही है या वाले ही है। देखो बाबू यहाँ पे अभी जो पढ़े क्या था, वाला है, सिंपल था वो, वाला है सिंपल था। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ आई एम टू रीड, है ना, तुम जाने वाला हो यू आर टू गो। लेकिन अगर इसमें ही लग गया तो मतलब हो गया इम्फैटिक, क्या बन गया इम्फैटिक, मतलब जोरदार बन गया, है ना। जैसे दानगा मैं खाने वाला हूँ और मैं खाने ही वाला हूँ, ठीक है। तुम पढ़ने वाले हो और तुम पढ़ने ही वाले हो, मतलब ध्यान देना तुम पढ़ने वाले हो, सिंपल में हो गया। लेकिन तुम पढ़ने ही वाले हो मतलब क्या हो गया, इम्फैटिक, जोदा बना, नहीं तुरा पढ़ ही ला हो बाबू, ठीक है ना, पढ़ने ही वाले हो यानी कि तुरा पढ़ ही ला है ना। अब देखो यहाँ पे बाबू ध्यान देना, देखो यहाँ पे तभी वाला के लिए क्या होता है, पढ़ाते हैं आपको टू, और जब यहाँ लगता है ही, क्या लगता है ही, तो क्या हो जाएगा अबाउट, यानी कि वाला ही के इंग्लिश का हो गया अबाउट टू, ठीक है। देखो यहाँ पे वाला है, सॉरी वाला ही या वाली ही या वाले ही, ठीक है, ऐसे मिलेगा मतलब इम्फेटिक बन जाएगा, का अबाउट टू लगा देंगे, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ रूल क्या बन जाएगा, तो सब्जेक्ट इज ए मार, समझ रहे हो। अब देखो इसमें केवल ही लगा है ना, एक्स्ट्रा ही, तो ही के लिए क्या लगा दिए हैं अबाउट, ठीक हो गया अबाउट टू, ठीक है। अबाउट टू इंग्लिश इसका पता है ही, वाले ही के लिए, ठीक है, फिर भर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो तो क्या बोल रहा है, प्रकाश यहाँ आने वाला ही है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रकाश यहाँ आने वाला ही है, ठीक है। एक रहता है यहाँ पे कि प्रकाश यहाँ आने वाला है, चलो मान लो यहाँ से ही हटा दो, अगर ही हटा क्या हो गया कि प्रकाश यहाँ आने वाला है, तो क्या होगा प्रकाश इज टू कम हियर, होता ना। लेकिन यहाँ पे ही लग गया इम्फैटिक, प्रकाश यहाँ आने वाला ही है, ठीक है। अब बताओ जी ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ तो पहले सिमेट लगाओ, क्या हो गया सिमेट बाबू, प्रकाश, क्या हो गया प्रकाश कर लिया, इज लगाओ ना, इज लगाओ, क्या हो गया इज हो गया। अब क्या अबाउट टू लगा दो, रूल से ना अबाउट टू लग गया, प्रकाश इज अबाउट टू, बर प्याची है आना, आना क्या हो गया कम, अब यहाँ क्या हो गया हियर, एस आर हियर, ठीक है, क्या हो गया प्रकाश इज अबाउट टू कम हियर। अब देखो ये रूल से बनाया हो ना, देखिए मेरा ट्रिक याद है ना, कैसे बनाते हैं ट्रिक, कैसे ध्यान देना यहाँ पे ट्रिक क्या है, ध्यान देना पहले एक बार क्या करना है, प्रकाश इंग्लिश लिख लो, लिख लिया प्रकाश का इंग्लिश लिख लिया, लास्ट में जाओ क्या मिला है क्लिस का होता है इज, और देखो यहाँ पे वाला ही क्लिस का पढ़ाया मैंने, वाला ही के अबाउट टू, कब मैंने पढ़ाया अबाउट टू, आगे बोलो क्या मिला आना, क्या होता है ना छोटू कम, अब यहाँ क्लिस का होता है हियर, एच आर ई हियर, हो गया यहाँ पे क्या हो गया प्रकाश यहाँ आने ही वाला है, तो प्रकाश इज अबाउट टू कम हियर, कोई दिक्कत नहीं बाबू। कैसे मैंने बनाया कि पहले प्रकाश इंग्लिश लिख लिया फिर लास्ट में गया, तो है मिला, है कि इसका होता है इज होता है, ठीक है। यहाँ देखो वाला ही है यानी कि वाला ही क्लिस का होता है अबाउट टू होता है, ठीक है, फिर आना के लिए कम होता है, यहाँ के लिए हियर होता है, तो बाबू बन गया। आप लोग वही ध्यान देना, मैंने एक रूल पढ़ाया है ना, उसी रूल पे सबको आप ट्रिक बना बना के इंग्लिश बोलो, ठीक है। अब प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछना कमेंट करके, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे अभी ये क्या देखा, वाला ही है प्रेजेंट में है बाबू, यहाँ हो गया वाला ही था तो पास्ट में हो गया बाबू। अब यह देखो तो वाला ही है प्रेजेंट में, वाला ही था पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट के लिए लगता है इज एमआर, तो पास्ट के लिए क्या हो गया वाजवर, पास्ट के लिए बाबू का हो गया वाजवर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अभी देखा तुम लोगों ने क्या देखा कि वाज कहाँ वर कहाँ लगता है, ठीक है, देख ला फिर से एक बार। यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या बोला बाबू, वाला ही इंग्लिश क्या बताया है बताओ अबाउट टू, क्या हो गया अबाउट टू, एकदम याद रखो यार, ठीक है, ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, कुछ दिक्कत नहीं बाबू, खाली वाज वेयर का यहाँ पे चेंजिंग हुआ, ठीक है ना। मैं कॉलेज जाने वाला ही था, ठीक है, रूल्स बनाओ तो सब्जेक्ट क्या चीज है, मैं के लिए आई हो गया, अब आई में क्या लगता है वाज, तो हो गया आई वाज, फिर क्या अबाउट टू, तो लिख लो अबाउट टू, क्या दिक्कत है अबाउट टू लिख लो, अबाउट टू हो गया, ठीक है। फिर वर्ब क्या चीज है, जाना, कहाँ हो गया गो, कहाँ जा रहा हो कॉलेज, क्या हो गया टू कॉलेज, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा बाबू, ये ध्यान यहाँ पे आई वाज अबाउट टू गो टू कॉलेज, हो गया ना। अब बताओ क्या लगाएंगे, ट्रिक से बना के देख लो एक बार, ट्रिक बनाओ क्या है, तो मैं बाबू क्या मिला, मैं इंग्लिश का होता छोटू आई हो गया, लास्ट में जाओ क्या मिला था, देखो मैंने क्या बोला कि लहे लहे करके आना है यहाँ तक, इंग्लिश बन जाएगा था इंग्लिश, बाबू का होता छोटू बोल दो वाज होता है। अब देखो यहाँ पे वाला ही के इंग्लिश का पढ़ाए हैं, अभी अबाउट टू पढ़ाए हैं, अबाउट टू पढ़ाए हैं, आगे बढ़ो क्या मिला बाबू, जाना
होता है गो, फिर आगे मिलो यहाँ पे आगे बढ़ो, क्या मिला कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज स्थान है तो टू लगा के यहाँ लिख दो कॉलेज, बन गया छोटू। देखो यहाँ पे क्या बना, आई वॉज अबाउट टू गो टू कॉलेज, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अब समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं करेंगे ना, गलत बात नहीं, नोट करेंगे, ठीक है। तो बहुत चलाक हो, स्क्रीनशॉट मार लेता है, अब फिर अपने काबिल बन जाते हो, अब समझ में नहीं आता है, फिर लास्ट में लगता है वहाँ लगता है वहाँ ना, ठीक है। इसको क्या करना, लहे लहे लिखना है, मतलब धीरे धीरे, ठीक है बाबू ना। पहले आईडी लिखो, रूल लिखो, अब इसको एग्जाम्पल लिखो, मैं यहाँ पे एक समझा हूँ, आप यहाँ पे पाँच एग्जाम्पल लिखो, दस लिखो, बीस लिखो, ठीक है। अब आपको सीखना है तो आप लिखेगा ना, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको बाबू, अब देखिए चलिए ये लिखने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, ठीक है। ठीक है देखिए, देखो रूल फाइव जो बोलता है क्या कि भर्ब के साथ यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा, ना है, नी है, ने है या फिर ना पड़ता है, ठीक है। दुनिया के कोई भी सेंटेंस उसके लास्ट में मिलेगा ना है या ना पड़ता है, बाबू याद रखना, ठीक। देखो यहाँ पे ना है या ना पड़ता है कि इंग्लिश होता है क्या, ध्यान देना पे, हैज टू या हैव टू, हैज टू या हैव टू, ठीक है ना, ध्यान देना पे। तो रूल क्या हो गया, पहले लगा लेना सब्जेक्ट को, फिर लगा लेना हैज टू या हैव टू कर लेना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर क्या कर लेना वी वन, फिर कर लेना ऑब्जेक्ट। अब बाबू देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई वी यू दे पी एन में क्या लगता है, हैव टू, इतने अगर आएंगे सब्जेक्ट तो क्या लगाना, हैव टू, और ही सी इट सिंगल में क्या लगता है, हैज टू, यहाँ पे बाबू हो गया, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो रूल से बना लो, तो सब्जेक्ट क्या बोलता है, मुझे, तो मुझे इंग्लिश का हो गया आई हो गया, अब आई में क्या लगता है, हैज टू की हैव टू, तो यहाँ देखो लिखा यहाँ पे आई में लगता है हैव टू, तो आई में क्या हो गया हैव टू, आई में क्या कर दिया मैंने हैव टू, यहाँ पे हैव टू, ठीक है आई हैव टू। अब वर्ब क्या है, देखो तो लिखना क्या होता है, लिखना का क्या हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा राइट, राइट हो गया, और बैठा है हाँ एक पत्र, ए लेटर, अ लेटर, क्या हो गया आई हैव टू राइट अ लेटर, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे ट्रिक की बात करो, ट्रिक से कैसे बनेगा, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, हाँ सब्जेक्ट आई लिख लिया, लास्ट में जब क्या मिला ना है, हमें ना है इंग्लिश का हो गया, ना है इंग्लिश का होता है हैव टू, लिखना मिला ना है ना, तो लिखना इंग्लिश का होता है राइट, क्या हो गया राइट, एक पत्र हो गया अ लेटर। बाबू चाहे ट्रिक लगाओ चाहे रूल लगाओ, इंग्लिश तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। यहाँ देख लो क्या है, उसे कॉलेज जाना पड़ता है, कोई बात नहीं है जाने दो कॉलेज से, उसे इंग्लिश का हो गया ही हो गया, लास्ट में क्या बोलते बोले ना पड़ता है ना, ना पड़ता है, ना पड़ता है इंग्लिश का, देखी ले बाबू ना पड़ता है इंग्लिश का हो गया। अब देखो ही लगा लगता ही में क्या लगता है, तो ही सीट में क्या हैज टू लगाएंगे ना, तो लगा लो ना हैज टू, ही हैज टू, जाना में है बाबू, जाना इंग्लिश का होता है गो, कॉलेज जा रहा है तो टू लगा लो या लिख दो कॉलेज को, क्या हो गया ही हैज टू गो टू कॉलेज। बाबू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रूल समझा लो, सब्जेक्ट है हाँ उससे के लिए ही हो गया, अभी में क्या लगता है तो हैज टू लगता है लगा लिए, फिर वर्ब क्या चाहिए जाना के गो हो गया, और वेट क्या है कॉलेज, कॉलेज प्लेस है तो टू लगा क्या टू कॉलेज कर ले, ठीक है ना, ही हैज टू गो टू कॉलेज हो गया। आप लोग को यह काम करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग के लिए इसका होता है बताओ तो यू यू, ठीक है लास्ट में जाओ क्या मिला ना पड़ता है, यू हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है बना लेंगे ना, ना यहाँ पे ये क्या हो गया प्रेजेंट में, इसे देखते हैं हम लोग पास्ट को देख लेते हैं। तो अभी आप क्या देखिए ना, ठीक है ना है, नी है, ने है या ना पड़ता है, प्रेजेंट में देखिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ना है तो प्रेजेंट में, अगर रहेगा ना था तो कहाँ हो गया पास्ट में, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको भी, देखिए बोलता है आईडी क्या कि वर्ब के साथ मिलेगा ना था या ना पड़ता था, ठीक है। बाबू लोग प्रेजेंट में क्या किया था, ना है के लिए लगाया था हैज टू हैव टू, ठीक है। लेकिन पास्ट में क्या चलता है, केवल एक चलेगा, वो चलेगा Had to, कहा चलते हम लोग had to, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अगर किसी भी सेंट कोई भी हिंदी सेंटेंस लास्ट करेगा ना था या ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ते थे, तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे had to, क्या लगाएंगे बाबू had to, ठीक है। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाना पहले, क्या हो गया had to be one object, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ता था, सब्जेक्ट क्या है मुझे, मुझे के लिए हो गया आई हो गया, अब क्या लगाना है हैड टू, लगा लो हैड टू, आई हैड टू, वर्ब क्या चीज़ है बोलना, बोलना हो गया स्पीक, हो गया आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था, रहेगा उसे खोलना पड़ता था तो ही हैड टू ओपन, समझा रहा है ना, उसे उसे जाना पड़ता था ही हैड टू गो, तुम्हें पढ़ना पड़ता था तो क्या हो जाएगा यू हैड टू स्टडी, यू हैड टू रीड, हो जाएगा ना, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या क्या सर ट्रिक नहीं लगाइए, ट्रिक लगा दे, देखो यहाँ पे मुझे इंग्लिश का हो गया आई, लास्ट में जाओ क्या मिला ना पढ़ता था, देखा मैंने बोला कि ना पढ़ता था, क्या होता है इंग्लिश हैड टू, तो लगा दो
हैड टू, ठीक है, अब बोलना के लिए इसका हो गया स्पीक, हो गया क्या नहीं हो बता दो, हो गया ना आई हैड टू स्पीक, ठीक है। तो इस पर बाबू 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस लिख करके क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आप लोग इसी कतरा ना, यहाँ देखो नेक्स्ट देखते हो बाबू, तो क्या देखा, देखो यहाँ पे बाबू रे, देखो यहाँ पे ना है प्रेजेंट में, है ना, ना था, ना था पास्ट में, ठीक है, रहेगा ना होगा, ना होगा कहाँ पे, फ्यूचर में, तीनों टेंस को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ना है प्रेजेंट में, ठीक है, हैज टू, हैव टू, ना था पास्ट में, हैड टू हो जा रहा है, और ना होगा या ना पड़ेगा, यहाँ देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि वर्ब के साथ मिलेगा ना होगा, मतलब कोई भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा ना होगा या ना पड़ेगा, तो इंग्लिश में क्या होगा इसका, शैल हैव टू या विल हैव टू, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे आई और वी में लगेगा शैल हैव टू, बाकी सब सेंटेंस मतलब क्या सब्जेक्ट में लगाना विल हैव टू, बात है ना बाबू, सुना रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या लगाएगा, आई वी में क्या होगा शैल हैव टू, बाकी सब में क्या बाबू होगा ऑल सब्जेक्ट में क्या लग जाएगा विल हैव टू, ठीक है। रूल देखो यहाँ पे, पहले मैंने क्या बोला सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद शैल हैव टू, उसके बाद या फिर विल हैव टू, शैल हैव टू क्या लगाएगा आई और वी में लगाएगा, ठीक है, और बाकी सब में क्या होगा विल हैव टू, फिर क्या वी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ देखो आप, मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा। देखो बाबू जानते हो ये सारे सेंटेंस हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है, तो बोलने के लिए तो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि इस पे कैसे बोलेंगे। क्या हो गया कि मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा, चलो रूल क्या है, सब्जेक्ट क्या है बाबू, मुझे, मुझे के लिए आई हो गया, बताओ आई में क्या होगा शैल हैव टू, तो क्या हो गया आई, आई शैल हैव टू, ठीक है। वर्ब का चाहिए बाबू, देखो तो वर्ब का चाहिए है जाना, क्या हो गया गो, कहाँ जाना कॉलेज, तो हो गया टू कॉलेज, ठीक है टू कॉलेज, फिर क्या बच्चा आज, आज के लिए क्या हो गया टुडे, क्या हो गया बाबू टुडे, ठीक है, क्या हो गया आई शैल हैव टू गो टू कॉलेज टुडे, ठीक है। अब ट्रिक कैसे लगाओगे, ध्यान देना ट्रिक दिखा दे रहे हैं बाबू ना, तो मुझे के लिए क्या हो गया आई लिख लिए लास्ट में, जो क्या मिला ये देखो, इधर आओ आओ आओ, हाँ ना पड़ेगा, हाँ ना पड़ेगा, क्या लगता है शैल हैव टू या विल हैव टू होती है, हम लोग ना ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो ना पड़ेगा क्या हो गया, लगा लिए शैल हैव टू लगा लिए, आगे बोलो क्या मिला है, देखो तो ही ना बाबू जाना, जाना के लिए क्या होता है गो लगा लिए, कॉलेज हो गया हैव टू कॉलेज हो गया, अब आज के लिए हो गया क्या टुडे, ठीक है। तो आप क्या, मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू कॉलेज टुडे। यहाँ देखो आपको एक पत्र लिखना होगा, तो क्या बताओ तो ट्रिक लगा दो, आप लोग इंग्लिश का आता है बाबू आपको के यू हो गया, लास्ट में जाओ ना होगा, तो ना होगा इंग्लिश का हो गया विल, विल हैव टू, क्यों लगाए विल हैव टू, क्यों ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि आई वी में लगता है शैल हैव टू, बाकी सब सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा विल हैव टू, ठीक है। तो हो गया यू विल हैव टू, क्या लिखना, लिखना क्या होता है रे लड़कवा, बोलना राइट ना बाबू राइट, ठीक है। फिर क्या है एक पत्र, क्या हो गया अ लेटर, अ लेटर, देखो क्या हो गया यू विल हैव टू राइट अ लेटर, यू विल हैव टू राइट अ लेटर, ठीक है बाबू। लोग जितने इस पर सेंटेंस बना करके बोलना होगा, आप लोग एक्स्ट्रा 5 से 10 सेंटेंस कॉपी में लिख करके उसको बनाइए, बना करके क्या कीजिए इसको बोलिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में आएगा। यहाँ तक कि आप राइटिंग में लिखेंगे ना, राइटिंग सेशन चलेगा ना, आर्टिकल हो, नोटिस हो, रिपोर्ट हो, वहाँ पर हर चीज़ में एक हेल्प करेगा आपको, ठीक है। मतलब ये ग्रामर का क्या है बेस है ना, क्या ही बेस है, ठीक है बाबू। आप लोग अगर इतना सीख रहे हैं इंग्लिश ना, इतना पर अगर आप इतने ही केवल स्ट्रक्चर पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे ना, तो आपके आसपास के लोग बोलेंगे लड़के लोग कि हाँ सच में तुम इंग्लिश जानने लगे हो, तो बोलेंगे तब ना, कोई इस पर ध्यान देवे नहीं करता है, ध्यान नहीं देता तो नहीं सीख पाते हो। ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, देखो बाबू सबों से अलग बनना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ देखो जी, अभी मेरा मोबाइल में देखो टाइम कितना दिखा सकते हो, टाइम कितना हो रहा है, टाइम देखो तो कितना हो रहा है अभी, हो रहा है बाबू 12:12 देख लो, है ना 12:00 कितना हो रहा है 12 मिनट, बताओ तो हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए नहीं कर रहे हैं बाबू, ठीक है कि आप लोग नहीं, मुझे लगता है कि नहीं मेरे स्टूडेंट जो हैं, ठीक है जो भी मेरे चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, सब लोग इंग्लिश सीखे हैं, सब लोग बोले फ्लुएंटली लाए, ठीक है मेरा ये रहता है उम्मीद। तो आपको भी बाबू कुछ आपसे उम्मीद क्या है, ध्यान देना है, आप लोग समझ समझो, ठीक है। क्या करते हो वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट लेना, बहुत गंदा रहता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखो यार, जब मैं आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए रात दिन एक कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देख करके लाइक नहीं कर सकते हो या सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो मेरे चैनल पर। 80% ऐसे मेरा है, मतलब यहाँ पे व्यूअर हैं जो क्या विदाउट सब्सक्राइबर हैं,
ठीक है। इसलिए आप लोग यार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए और बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब सिखा रहा हूँ आप सीख नहीं रहे हैं, मेरा ध्यान देंगे आप लोग वीडियो को सब सीखिए, ठीक है। और जहाँ पे नहीं आ रहा है ना वहाँ पे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बता दीजिए, मैं फिर से न्यू वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मेहनत जब बाबू कर रहा हूँ ना, 12 बजे कभी कभी 2 बजता है, कभी कभी 3 बजता है, कभी कभी 4 बजता है, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि अपलोडिंग में लगाने के बाद क्या रात भर मुझे जगना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान दें यहाँ पे, तभी अबू आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, वाला है से पढ़ लिए ना है पढ़ लिए, ठीक है, ना था पढ़ लिए ना होगा। अब देखो बाबू यहाँ क्या है, लगाता है, क्या है जी बाबू, लगता है, ये देखो ये पढ़ने वाला है ना, लगता है, ठीक है। आइए पढ़ते इसको भी, देखिए बाबू लोग ये जो बाबू आपका है ना रूल बहुत ही फेमस है ना, कहने का मतलब क्या है, इसका ध्यान देंगे हम लोग हर एक, यहाँ तक कि जब हम लोग लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर वहाँ भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। इसका पास्ट को यूज करेंगे, बिगेन टू का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर दुनिया के कोई भी सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट मिलेगा लगता है, लगती है, लगते हैं, ठीक, जिसे बोलता है ना, वो हंसने लगता है, वो रोने लगती है, वह बोलने लगती है, तुम खेलने लगते हो, तुम झूठ बोलने लगते हो, तो इस प्रकार के जो बाबू सेंटेंस होंगे कैसे बनाएंगे, बिगिन से बनाएंगे, कैसे, बिगिन से या फिर स्टार्ट से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों रूल समझाऊंगा, आप लोग देखिए समझिए इसको, ठीक है ना। देखिए बाबू यहाँ पे क्या बोलता है, और आईडी बोलेगा, ठीक है, कि दुनिया के कोई भी सेंटेंस रहेगा अगर भर के साथ लास्ट करेगा, क्या करेगा, लगता है, लगती है, लगते हैं, ठीक है ना। ध्यान यहाँ पे लगता लगती मतलब क्या हुआ, मैंने काम को प्रारंभ कर दिया, मैंने काम करने लगता है ना, जिसे मैंने क्या बोला, वो हंसने लगती है, मैंने देखते मैं वो हंसने लगी, समझ आ रहा है ना, वो हंसने लगती है, तुम बोलने लगते हो, तुम रोने लगते हो, वह सोने लगती है, इस प्रकार मैं बोले, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी सेंटेंस अंत होगा लगता है, लगती है, लगते हैं से, बाबू क्या इसका होगा इंग्लिश, बिगिन, क्या होगा बाबू, बिगिन से बनेगा या फिर स्टार्ट से बनेगा, कैसे बनेगा, स्टार्ट से बनेगा, ठीक है। अब देखो यार बाबू यहाँ पे अगर बिगिन से बनेगा ना तो बिगिन के साथ टू लग, क्या लगेगा, टू लगेगा, बिगिन टू हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट से अगर बनाओगे ना तो वी फोर ले लेगा, क्या लेगा, वी फोर, यानी कि जीडंड बन जाएगा, और जीडंड क्या है, तो जीडंड एक नाउन ग्रुप ले लेता है, ठीक है ना, याद हो गया ना। बिगिन के साथ क्या लगता है, टू लगता है, जबकि स्टार्ट में, ठीक है, क्या लगता है, वी फोर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे रूल क्या हो रहा है, पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा लेना, ठीक है, फिर बिगिन लगाना। अब देखो बाबू यहाँ पे अगर ही से इट और एक नाम मिलेगा तो उसमें एस लगा देना है, किसमें, ही से इट और सिंगल नाम में क्या लगा देना, एस लगा देना, बाकी जितने सब्जेक्ट रहेंगे समय क्या चलेगा, बिगिन चलेगा ना। मान लो कि यहाँ पर रहेगा ही से इट का होगा, बिगिन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिगिन्स कर देना, ठीक है ना। अभी देखो क्या लगाना, टू लगा लेना, फिर वी वन लगा लेना, फिर ऑब्जेक्ट लगा लेना, ठीक है। अब देखो इसी को देखो यहाँ पे, और अगर तुम बिगिन, देखो यहाँ पे बिगिन से बनाओगे तो टू लग जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, बिगिन टू हो जाएगा। लेकिन एक और इसका नियम है क्या, कि पहले लगाना सब्जेक्ट फिर स्टार्ट, क्या लगा लेना, स्टार्ट, जब स्टार्ट लगाओगे ना तो ये अपने साथ क्या लेगा, वी फोर लेगा, मतलब कि आईएनजी फॉर्म को लेगा, आईएनजी फॉर्म के लेगा ना, वी फोर लेगा, फिर क्या होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस प्रकार से ही सी ईट में बिगिन के साथ क्या लगता है, एस, यानी बिगिन हो जाता है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे स्टार्ट में अगर मिलेगा ही सी ईट का करना, स्टार्ट्स करना, क्या करना बाबू, स्टार्ट्स करना ना। अब इसको एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे तुम बोलने लगते हो, तुम बोलने लगते हो, चलो बनाओ तो बाबू इस रूल से बनाओ तो बाबू इससे बनाओ तो क्या हो जाएगा, तो देखो सब्जेक्ट क्या चीज है, यू, यू लिख लिए, अब क्या लगाना है, बिगिन, तो बिगिन लगा लो, यू बिगिन, अब अगर बल क्या मिला, टू, यू बिगेन टू, बर क्या चीज है, बोलना, तो बोला क्या हो जाएगा, स्पीक, कब अब हो गया, स्पीक, क्या हो गया, यू बिगेन टू स्पीक, तुम बोलने लगते हो। लेकिन अगर हम कहेंगे बनाओ स्टार्ट से, तो कैसे बनाओगे, ध्यान देना यहाँ पे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, अब स्टार्ट लगाओ यहाँ पे, यू स्टार्ट, यू स्टार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एस लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि एस लगता है ही सी इट और सिंगल नेम में, ठीक है, तो यू स्टार्ट, भर पहुंची बाबू, बोलना क्या होता है, स्पीक, तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, वी फोर कर रहा है, क्या हो गया, स्पीकिंग हो गया, यानी यू स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है। अगर बिगिन टू से क्या होगा, बिगिन टू से बनाओ तो यू बिगिन टू स्पीक, लेकिन लगा देगा स्टार्ट, तो यू स्टार्ट स्पीकिंग, कोई बाबू दिक्कत नहीं है। आगे देखो यहाँ पे अब है कि वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, सुनता ना यहाँ पे रूल से बनाओ, तो पहले सेवेट लगाओ, तो वह के लिए क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब देखो लगाओ यहाँ पे बिगिन, क्या हो गया, यहाँ बिगिन लगाओगे तो सी है, सिंगुलर है, तो यहाँ देखो एस लगा दो, इसमें क्या होगा, बिगिन हो गया, फिर टू लगाओ, टू लगा लिए, भर्ब क्या चीज है, रोना, रोना क्या होता है, वीप,
वीप पे, क्या हो गया, ही सी बिगिंस टू वीप, सी बिगिंस टू वीप, ठीक है। अगर स्टार्ट से बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो सी स्टार्ट्स वीपिंग, क्या होगा बाबू, वीपिंग। डन कर दे इसको, समझ में आ गया क्या बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, नहीं आ गया, बिगिन ध्यान देंगे, बिगिन साथ क्या लगता है बाबू, टू लगता है, और स्टार्ट पे क्या लगता है, बिफोर लगता है, ठीक है ना बाबू, कन्फर्म रहना। फिर क्या मैंने बोला कि एस कहाँ लगता है बाबू, बिगिन या स्टार्ट में, ही सीट ऑफ सिंगल नाम के साथ लगता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग ध्यान देना, ध्यान से देखोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग पास्ट को देख लेते हैं बाबू, ठीक है ना। तो अभी आप क्या देखिए, लगता है लगती है, यानी कि प्रेजेंट देख लिए, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, लगता था लगती थी या फिर लगा लगी लगे, यानी कि पास्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या देखिए, बिगिन टू या स्टार्ट, है ना। अब पास्ट में क्या हो जाएगा, बिगैन टू या स्टार्टेड, आइए देख लेते रूल को, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे बोलता है क्या कि दुनिया के कोई भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस जो अंत हो क्या से, लगता था लगती थी लगते थे या लगा लगी लगे, दुनिया का कोई भी हिंदी सेंटेंस जो अंत क्या से हो, लगा लगी लगे या लगता था लगती लगे, ठीक है बाबू। इस इन सारे हिंदी से अगर अंत होंगे, लगा लगी लगे लगता था, ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या, देखो यहाँ पे तो लगता था लगती थी लगते थे लगा लगी लगे के इंग्लिश में होता है बिगैन टू, क्या होता है बिगैन टू, बात समझ में आ गया ना, बिगैन टू। तो रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस बिगैन टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बाबू। यहाँ पे जैसे एक इसका एक और रूल देखो यहाँ पे, और देख लो, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे वह क्रिकेट खेलने लगता था, वह क्रिकेट खेलने लगता था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे तो पहले बना दो बिगेन वाला से, तो क्या हो गया, तो पहले स्वेट लगाओ, वह के लिए हो गया ही, अब क्या लगाना है बिगेन टू, तो क्या हो गया बिगेन टू, भर्ब क्या चीज है, खेलना, क्या हो गया प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्या बाबू क्रिकेट, क्या हो गया ही बिगेन टू प्ले क्रिकेट, ही बिगेन टू प्ले क्रिकेट हो गया, ठीक है। अब मान लो कि इसको बनाते हैं हम स्टार्टेड से, तो क्या हो गया था, देखो तो यहाँ पे तो हो गया ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड वर्ब का चीज है खेलना के, बिफोर क्या हो गया प्लेइंग, ही स्टार्टेड प्लेइंग क्या चीज बाबू क्रिकेट, समझ आ रहा है ना, कुछ कहते ना बाबू। यहाँ देखो वे लोग मुस्कुराने लगे, तो क्या हो गया, देखो चलो रूल्स बनाओ, सॉरी रूल्स तो हो गया, अब ट्रिक्स देखो कैसे होगा। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे अभी तक मैं जितना पढ़ा नया स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को रूल के अलावे ट्रिक से भी बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। रूल भूल भी जाएंगे ना तो आपको ट्रिक हमेशा याद रखे, ट्रिक क्या है पता है ना, पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर जाना है लास्ट में और लहे लहे करते उसको हिंदी से इंग्लिश आ जाना, ठीक है ना। यहाँ देखो रूल ट्रिक है ना, ट्रिक लगाओ क्या, वे लोग तो क्या होता है इंग्लिश में दे, लास्ट में क्या लगा लगी लगे इंग्लिश क्या होता है बिगेन टू, लगा ना बिगेन टू, क्या हो गया बिगेन टू, क्या मिला मुस्कुराना, क्या हो गया स्माइल, हो गया बाबू देखो तो क्या हो गया दे बिगेन टू स्माइल, दे बिगेन टू स्माइल। अगर इसी को बनाएगा स्टार्ट से तो क्या हो जाता, देखो क्या होगा, देखो बना दे इसको, क्या हो गया दे स्टार्टेड स्माइलिंग, दे स्टार्टेड स्माइलिंग, देखो ये कितना सिंपल है यार, ठीक है। कोई आपसे पूछ देता है ना कि वह खेलने लगा, बनाओ तो इंग्लिश में तो लगता है तुमने छोड़े पसीना लगता है ना, होता है ना, वह खेलने लगा कहते कहाँ पूछ दिया ही बुढ़वा, कहें कि कुछ पूछ ले है, एकदम सिंपल सवाल है, बाबू सिंबल ना बाबू हर देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, वो हंसने लगा ही बिगेन टू लाफ, मैं बोलने लगा आई बिगेन टू स्पीक, तुम खेलने लगे यू बिगेन टू प्ले, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल बाबू एकदम सिंपल है, ठीक है। इसको क्या करना है कि कॉपी में लिख करके आईडी को रूल को लिख करके, जैसे मैंने समझाया ना उसी लिख करके इसको क्या करेंगे आप लोग इंग्लिश में बनाएंगे, अब बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ पे रूम में कोना में खड़ा होकर के अकेले में बोलना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि सर हम कैसे अकेले में इंग्लिश बोल लेंगे, या तुम्हारे पास या दो हाथ है ना, दो हाथ है, ये तुम्हारा दोस्त है ये तुम हो, बोलो इसको से, ठीक है, इधर से हिंदी बोलो, तुम खेलने लगते हो, तो इनसे बोलेगा आई बिगन टू प्ले, समझ आ रहा है ना, फिर कहो इसको से, ठीक है, फिर कहो आप कुछ बोलो, बोलवाओ इसको, मैं हंसने लगता हूँ, ठीक है, मैं हंसने लगता हूँ, तो प्रेजेंट में आ गया, मैं हंसने लगता हूँ, तो बोलेगा इधर से आई बिगिन टू लाफ या आई स्टार्ट लाफिंग, ठीक है ना। पास्ट में बोलेगा फिर से, ठीक है, क्या कर रहा है कि तुम हंसने लगे, तो ये बोलेगा यू बिगेन टू लव, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं ना। ये अपने से आप बोलते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी आप लिख लेंगे। अब देखते हैं क्या हम लोग बाबू भर प्लस कर का, ठीक है ना। देखिए बाबू अभी तक का सबसे जबरदस्त रूल जो है ना, जानते क्या है, भर प्लस कर, भर प्लस कर,
हम लोग बोलते हो ना आ कर जा कर खा कर सो कर बोल कर पढ़ कर लिख कर, ये सब जो बोलते हो ना, आओ ध्यान दो कैसे इंग्लिश बोलेंगे। ध्यान देना यहाँ पे क्या कहता है, देखो आईडी, कि यदि दुनिया के कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी वर्ड जो वर्ब के साथ लास्ट में इंड क्या करेगा, कर से, यानी अगर वर्ब में कर लगल रहेगा, ठीक है बाबू, तो हम लोग उसको तीन नियम से बनाएंगे। कितने बनाएंगे, तीन नियम से बनाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोलता है, कि भर में कर लगल रहेगा, जैसे बोल कर, खा कर, पढ़ कर, लिख कर, समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तीन नियम से उसका इंग्लिश बनाएंगे। देखो नियम, देखो फर्स्ट बोलता है कि टू से बनाएंगे, मतलब इसका जो होगा सब्जेक्ट क्या होगा, टू होगा, समझ में आ रहा है ना। यानी देखो यहाँ पे ये जो कर है ना, कर, देखो ये कर के लिए हम लोग बोल रहे हैं बाबू, कर का बात कर रहे हैं, कर का देखो यहाँ पे इंग्लिश तीन गो होता है, एक टू, क्या होता है टू, यानी कि ये कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के रूप में टू लगाओगे, या आफ्टर लगाओगे, या हैवी लगाओगे, ठीक है। यानी कि भर प्लस कर का जो इंग्लिश लिखते हैं वो बनाते हैं तीन नियम से बनाएंगे, ठीक है, कौन से, टू से, आफ्टर से, हैविंग से। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर सब्जेक्ट टू बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी वन चलेगा, मतलब टू से क्या चलेगा, भी वन। अगर आफ्टर लोगे सब्जेक्ट तो चलेगा भी फोर, हैविंग लेगा तो क्या चलेगा, भी थ्री चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना। यहाँ देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला बोलकर, मैंने क्या बोला, बोलकर, ठीक है, यहाँ देखो बता रहा, ठीक है, मैंने बोला बोलकर, देखो जी बोला में लगा लेना कर, बोला में लगा ले कर, यहाँ हो गया बोलकर। इसका इंग्लिश बनाएंगे तीन नियम से। चलो फर्स्ट बनाओ टू से, तो क्या हो गया, टू से बनाओगे तो टू, अब यहाँ पे बोलना भर पहुँची है, बोलना तो क्या हो गया, स्पीक, टू स्पीक बन गया, समझ रहा है ना। अब बनाएंगे आफ्टर से, बनाओ तो कैसे बनेगा, आफ्टर भर का बिफोर लग रहा है, तो बोला क्लिस का होता है स्पीक, बिफोर का हो गया स्पीकिंग, आफ्टर स्पीकिंग। हैविंग से बनाओगे तो कैसे बनेगा, हैविंग स्पोकन, हैविंग स्पोकन, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं ना, ठीक है, कि मतलब भर में अगर कर लग रहेगा तो बनाएंगे तीन नियम से, अगर टू से बनाओगे तब भी वन चलेगा, आफ्टर से बनाओगे तब भी फोर चलेगा, और हैविंग से बनाओगे तो भी थ्री चलेगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसको भी सीख लिया। अब इधर देखो यहाँ पे, जैसे अब इस पर तुम लोग लिखत रहना, ठीक है, जैसे लिख कर, टू राइट, ठीक है, टू राइट, आफ्टर राइटिंग, हैविंग रिटेन, ठीक है, हंस कर, टू लाफ, सुना ना, टू लाफ, आफ्टर लाफिंग, या क्या, हैविंग लाफ्ड। तो आप लोग बाबू जितनी बोलोगे ना इंग्लिश, उतना आपको फ्लुएंटली आएगा, आपको माइंड में केवल इंग्लिश बनता रहेगा, ठीक है ना। अब ये देखो तो क्या बोल रहा है, कि अंग्रेजी बोलकर, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोलकर, तो अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये देखो है ना बोलकर। अब चलो यहाँ रहेगा अंग्रेजी बोलकर, बनाओ टू से तो क्या हो गया, पहले टू लगाओ। अब देखो एक बात समझो, एकदम आसान, देखो ट्रिक कैसे बनेगा, ध्यान देना क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोलकर, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को रिवर्स करोगे तो क्या इंग्लिश बन जाता है, बताया ना इंग्लिश बनता है बाबू। अब देखो यहाँ पे तो कर के लिए क्या, चलो इधर चलो, चलो इधर, कर, कर यहाँ पे करना है बाबू, करना है सब्जेक्ट, देखो ये नहीं है पे टू आफ्टर हैविंग, इससे क्या इंग्लिश यह होता है बाबू, कर होता है, ठीक है। तो पहले कर के लिए बनाओ, तो कर के क्या हो गया टू, तो लगा लो टू, आगे बोलो क्या हो गया, बोलना, तो बोलना क्या हो गया स्पीक, ठीक है, आगे बोलो अंग्रेजी, तो हो गया इंग्लिश, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, समझ में, अंग्रेजी बोलकर। अब चलो अगर आफ्टर से क्या होगा, आफ्टर क्या होता बाबू, आफ्टर स्पीकिंग हो जाएगा ना, बिफोर ना, आफ्टर स्पीकिंग इंग्लिश हो जाता, हैविंग से क्या होता, हैविंग से होता क्या बाबू, हैविंग स्पोकन इंग्लिश, समझ में आ रहा है ना। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग मजे से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, देखना बाबू, ठीक है। यहाँ देखो तो लास्ट में क्या बोल रहा है, मुझे देख कर, चलो तो करके क्या हो गया टू, देखना क्या होता है सी, और मुझे क्या हो गया मी, ठीक है, तो मुझे देख कर टू सी मी, उसे देख कर टू सी हिम, ऐसे बनाना है बाबू, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, कि मुझे देखकर वह हंसने लगा, दोनों आ गया, देखो यहाँ पे पढ़ा ना भी है, लगा लगी पढ़ा ना है, यहाँ देखो ही बोल रहा है, ठीक है, तो मुझे देखकर क्या हो गया टू सी मी, ठीक है, वह हंसने लगा, बताओ ही बिगेन टू लव, ही बिगेन टू लव, समझ में बाबू, ही बिगेन टू लव, टू सी मी ही बिगेन टू लव, ध्यान देना, मुझे देखकर हंसने लगा। यहाँ तो बाबू इसको हम लोग छः सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कि एक ही सेंटेंस को हम लोग छः तरह से इंग्लिश बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, छः तरह से इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो दिमाग है तो लगा के दिखाना, हमको बोल के दिखाना। देखो यहाँ पे मान लो क्या, देखो तीन तरह से तो यहाँ हो गया, और फिर लगा लगी भी चलता है ना जी, स्टार्ट से फिर बिगेन टू से,
जिसको आएगा मुझे कमेंट में इसका 6 तरह से इंग्लिश लिखकर बना के बताना, तब जानो कि हाँ आप लोग समझ गए हैं। कितना तरह से बाबू? 6 तरह से। मुझे देखकर वो हंसने लगा, इसका मुझे 6 सेंटेंस लिख के दिखाना। कितना सेंटेंस बाबू? 6 सेंटेंस। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं बाबू, लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का देखो हम लोग अंतिम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, वो है आदत वाला। क्या है? आदत का बोलते हो ना, मुझे हंसने की आदत है, उसे मुस्कुराने की आदत है, आज इसको भी सीख लीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या चल रहा था, टॉप 10 रूल चल रहा था, टॉप 10 सीख लिए, लेकिन थोड़ा सा टॉप से भी आप ऊपर ले चल रहे हैं, ठीक है, टॉप 11 में ले चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये बहुत ही अच्छा ही बाबू ये भी रूल है, जिससे बोलते हो ना कि मुझे हंसने की आदत है, उसे बोलने की आदत है, तुम लोग को मतलब मुस्कुराने की आदत है, उसे रोने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो हम लोग जो डेली लाइफ में जो हम हिंदी बोलते हो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन्हीं सब रूल के माध्यम से बोलेंगे, ठीक है। आइए देख लीजिए आप लोग, देखिए दुनिया का कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर लास्ट में उसका मिलता है क्या, की आदत है, क्या मिलेगा, की आदत है, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे की आदत है क्या होता है इंग्लिश, इन द हैबिट ऑफ, क्या होगा बाबू, इन द हैबिट ऑफ, याद रखना की आदत है इंग्लिश क्या होगा, इन द हैबिट ऑफ होगा, ठीक है। अब देखो तो रूल क्या हो गया कि लगाना पहले सब्जेक्ट, फिर इज ए मार, समझ रहे हो, कब से बता रहा हूँ मैं इज ए मार, फिर देखो इन द हैबिट ऑफ छाप लेना, फिर बिफोर बोल लेना, फिर ऑब्जेक्ट बोल देना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पे जैसे मुझे मुस्कुराने की आदत है, मुझे मुस्कुराने की क्या चीज़ है, आदत है, तथा उसे बेट क्या चाहिए, मुझे, मुझे के लिए क्या हो गया, आई। अब आई में क्या होगा, इज ए मार में इसका लगाएंगे एम, आई एम। अब देखो छाप दो इसको, इन द हैबिट ऑफ, छापो इसको, छापो छापो, इन द हैबिट ऑफ, छाप लिया ना। आगे बढ़ो, क्या मिला, बिफोर, मतलब वर्ब का चौथा रूप क्या है, दो मुस्कुराना, क्या होता है मुस्कुराना का बाबू, स्माइल, क्या होता है स्माइल, बिफोर क्या हो गया, स्माइलिंग, क्या हो गया, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग, मुझे मुस्कुराने की आदत है। यहाँ देखो जैसे रहेगा, उसे झूठ बोलने की आदत है, तो क्या होगा, उससे क्या होता है, ही लिखो या सी लिखो, ठीक है, ही लिखो, तो ही इज। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया ही, फिर यहाँ इज लिख लिया, अब कहाँ लिखना है, छापो इसको, मैंने क्या बोला, छाप लेना है इसको, छाप लेना है किसको, इन द हैबिट आपके ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज क्या हो गया, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ का झूठ बोला क्या होता है, टेल अ लाई, तो टेल क्या बिफोर क्या हो जाएगा, टेलिंग, क्या हो गया, टेलिंग अ लाई, टेलिंग ए लाई, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पे टेलिंग अ लाई बन गया ना बाबू, कह सकते हो रहा है क्या, दिक्कत नहीं हो रहा है ध्यान देना पे। लेकिन कहोगे कि यहाँ सर इसमें आप ट्रिक नहीं लगाए, अरे यार ट्रिक क्या यार, तुम लोग भी हो ना, चलो ट्रिक लगा लो, देखो तो ट्रिक लगाओ तो इसमें क्या होगा, ठीक है लगा, तो मुझे क्लिस का होता है, बताओ तो मुझे क्लिस का होता है, आई, लास्ट में जाओ क्या मिला, है, क्या मिला, है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो मुझे मुस्कुराने की आदत है, आपको क्या है सर, यहाँ पे है के लिए आप इज लिखिए, नहीं मारेंगे थोपी से ऐसे करेगा, ठीक है। आई में क्या लगता है, एम लगता है, लगा दो यहाँ पे एम। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे की आदत के लिए क्या होता है, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ हो गया, और यहाँ पे क्या चाहिए, मुस्कुराना, क्या हो जाएगा, स्माइल, तो बिफोर ले रहा था क्या हो जाएगा, स्माइलिंग, क्या हो गया, स्माइलिंग, यहाँ पे बाबू तो सेम होगा, ठीक है। यहाँ देखो उससे के लिए ही हो गया है, तो है के लिए क्या हो गया, इज हो गया। अब बच्चों की आदत के लिए क्या होता है, इन द हैबिट ऑफ हो गया, बोलना हो गया यहाँ पे टेलिंग अलाई, क्या बोलना, झूठ बोलना, क्यों होता है टेल अलाई, फिर है ना। अब बाबू देखो यहाँ पे ये रहा प्रेजेंट, तो बोल लेंगे ना, कैसे बोलेंगे, मुझे पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, मुझे खेलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, तुम्हें सच बोलने की आदत है, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, बोल लेंगे ना। आप लोग प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपको फ्लुएंटली आएगा इंग्लिश आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, अगर की आदत है तो है लगा तो प्रेजेंट में। अब यहाँ देखो तो बाबू, यहाँ देखो यहाँ पे ब्राह्मण रूल मान लो, ठीक है, कि भर प्लस के नी आदत थी, क्या मिलेगा यहाँ पे, थी, अरे है तो प्रेजेंट में, था है तो पास्ट में, यहाँ लगा था है में इज ए मार, यहाँ पे लग जाएगा वाज वर, क्या लग जाएगा, वाज वर, जैसे क्या है कि श्याम को खेलने की आदत थी, तो क्या हो जाएगा बताओ, श्याम, श्याम वाज इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं रहा है, जैसे मुझे बोलने की आदत थी, ठीक है, तो आई मीन क्या, आई वाज इन द हैबिट ऑफ क्या, स्पीकिंग, जैसे ठीक है, उसे ध्यान देंगे, उसे खेलने की आदत थी, तो ही वाज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, समझ में आ रहा है ना, क्यों आप देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, यानी कि देखिए क्या आप लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या 1 टू
12, क्या देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं लेके आया था आप लोग के लिए टॉप 10 स्ट्रक्चर, लेकिन आप क्या देख लिए 1 to 12 देख लिए। मेरे ध्यान देंगे मेरे बच्चों, यदि आप इतना रूल याद कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ ना, कि आप लोग मतलब बेहतर कर लेंगे इतना में ही। अभी आप लोग के पूरे मैं स्पोकन का जो है ना सीरीज चलाऊंगा, पूरे मैं कोर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और कोर्स के साथ साथ ध्यान देना स्पोकन में स्पीकिंग कराऊंगा, प्रैक्टिस लाऊंगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी लाएंगे बाबू लोग, ध्यान देना। मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए आ रहा हूँ लाइव क्लास, क्या आ रहा हूँ लाइव क्लास, और लाइव में आप लोग जितना क्वेश्चन करना होगा ना उतना क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, लाइव आएंगे। अब देखो जी आप लोग के लिए, अब देखो इतना बेस्ट तैयार हो गया, अब वहाँ पे लाइव में अगर पढ़ेंगे ना वहाँ पे और मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पीकिंग कीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपका पूरे कोर्स मिलने वाला, पता है ना पूरे कोर्स मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे बाबू, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ठीक है, और चैनल को देख करके अपना दिमाग बढ़ाते रहो बाबू लोग, मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन। टाइम देखना है, टाइम देख लो, 1 बज गया, ठीक है, तुम लोग के लिए यार, आप लोग के लिए 1 बज गया, ठीक है, तो आप लोग के लिए जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ 1-1 बजे तक, अब देखो सोएंगे नहीं, अभी अभी नहीं सोएंगे, अभी क्या करेंगे, अभी मैं वीडियो बनाया इसको एडिटिंग करेंगे, 2 बज जाएगा, ठीक है, 2 बज जाएगा एडिटिंग करने में, फिर इसको ध्यान क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब है ना बहुत सारा इसमें बाबू प्रोसेस होता है ना वीडियो में, एक्सपोर्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसको अपलोड करेंगे, 4 बज जाएगा, 6 बजे से मेरा क्लास ऑफलाइन चलता है, ठीक है, आप लोग के मालूम है ना मेरा आबादगंज में ऑफलाइन स्टार इंग्लिश जो बाबू है इसका ऑफलाइन क्लास चलता है। अभी आप लोग का ध्यान देंगे, अभी 12 का बैच चालू होगा, है ना, तो देखिए 12 के लिए जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास करने के लिए आएंगे कब से जानते हैं, 5 फरवरी से, ठीक है, जो लोकल यहाँ पे लड़कन होंगे, पलामू के गढ़वा के लड़कन होंगे, उन लोग के लिए ध्यान देंगे, सुनहरा अभी बता रहे हैं वो अवसर है कि 5 फरवरी से स्टार इंग्लिश इंस्टीट्यूट आबादगंज में चालू होगा क्या 12 का इंग्लिश कोर्स का बैच, ठीक है।